जरा सा साथ का दे दिया, अरे जरा सा भाव का दे दिया, इसके मायके वाले यहाँ घुसने लगे। कब्जा करने की नियत से आई है जे मौड़ी, देख लेना धीरे धीरे पूरा खानदान यहीं आके रहने लगेगा, हमें पता है। हाँ अनुष्का बिटिया, अरे इतनी जल्दी जा रही हो तुम, थोड़ा समय अपनी बहन के साथ और बिता लो। नहीं नहीं आंटी जी, बस अब हम चलते हैं। अब बिटिया अब तो गौरव की शादी हो गई है, अब तो तुम्हारा नंबर है, है? कब कर रही हो शादी? लड़के वड़के देखने शुरू किए कि नहीं? अरे नहीं नहीं आंटी जी, हमने तो अब तक नहीं देखा, मगर आपकी नजर में कोई हो तो जरूर बताइएगा। हाँ हाँ कहोगी तो जरूर देखेंगे, ऐसी भी क्या बात है, क्यों उर्मी ठीक कह रहे हैं ना हम? हा? अरे नहीं नहीं आंटी जी, बेकार में मेहनत मत कीजिए, हमारा ना कोई विचार ही नहीं है शादी वादी करने का। बेचारी लड़कियों का हाल देखते शादी के बाद, मन ही नहीं करता शादी करने का उसके बाद। हाय काय, ऐसा काय कह रही हो तुम? सच्ची तो कह रहे आंटी, अपने आसपास के शादीशुदा लोगों को देखकर तो मन ही नहीं करता शादी करने का। एक तरफ गौरव भैया तो दूसरी तरफ दीदी। कोई खुश नहीं है अनुष्का, क्या बकवास कर रही हो? मजाक कर रहे थे हम। देखो अब तो कोई मजाक भी नहीं समझता, सब तेरे के। मजाक कर रही है माँ जी, बहुत बदमाश है। अरे अनुष्का कैसी हो? एकदम बढ़िया, कैसे हो आप? ठीक हूँ। अब हम चलते हैं। अरे रुको थोड़ी देर, हम आ गए और तुम चल दिए। हाँ अरे नहीं नहीं दीदी, फिर कभी फुर्सत में मिलेंगे, अब हम चलते हैं। बाय आंटी जी। बाय दीदी। बाय। चलो आज अचानक इतने दिनों बाद अनु कैसे यहाँ आई? मेरा मतलब है घर में तो सब ठीक है ना? हाँ भाभी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दरअसल अनु ने पेपर में एक ऐड देखा था कि झांसी में कंटेम्पररी डांस क्लासेस के वर्कशॉप शुरू हो रहे हैं, वही बताने हमें आई थी, वो चाहती है कि हम वो वर्कशॉप ज्वाइन कर लें। अरे वाह। दरअसल भाभी शादी से पहले ना हमारा सपना था कि हम डांस सीखें, डांस करें। शादी के पहले के सपने मायके में छोड़ के आने चाहिए मैडम जी। अब क्या एक बच्चे की मां बन के साड़ी पहन के नाचेंगे क्या? हाय सम्राट बेटा, तुम इस वक्त इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या नहीं आ सकता हूँ क्या? हाँ जब देखो एक ही सवाल, बेटा इस वक्त कैसे, बेटा इस वक्त कैसे? अरे भाई मेरा घर है, जब आऊं जब जाऊं मेरी मर्जी। बताओ यार आप चाहिए भाई, मेरी वो नई वाली चेकबुक लेके आई, ऊपर ड्रॉअर में पड़ी हुई है, चाहिए? पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, जाओ लेके आओ पानी। अपने ही घर में पानी मांग के पीना पड़ता है, बताओ यार। फटाफट लेके आइए। आशा अभी ना गौरव तुमसे नाराज है, तो तुम ना उसका मन जीतने की कोशिश करो, सब काम सही सही करो। दादी हमें का सही सही करना होगा? का करो कि गौरव के कपड़े ना प्रेस करके सही कर दो, ताकि जब वो आवे तो उसे सारे कपड़े सही मिले। प्रेस 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 मतलब का? परेस, धुले कपड़े फिर परेस कपड़ों पे करते हैं ना? है? का होता है दादी प्रेस? हमको नहीं पता। प्रेस। अच्छा इस्त्री, तो ऐसा कहिए ना दादी
स्त्री को प्रेस भी कहे हैं। ओ वो तो दादी हम पहले ही कर दिए, ये देखिए। अरे जय तो तुमने बहुत अच्छा किया है, अब ऐसा करो उसका डब्बा भी तैयार कर दो, ठीक से कोई कमी ना रहे। हुँ? जी दादी। ता गौरव आए रहा, सब संभाल लेना, हम जा रहे। जी दादी। हेलो जी हाँ जी सर, आपको एक कैंसलेशन का चेक देना होगा, उसका डब्बा भी तैयार कर दो, ठीक से कोई कमी ना रहे। चेकबुक तो आपको मिल जाएगा ना? जी सर। ओके ओके हम क्या क्या कर रही हो तुम? निकालो उसे और फाइल रखते हैं उसमें। क्या कर रही हो? प्रेस करो, फिर लगाओ, प्रेस करो, प्रेस करके प्रेस जी भी इस्त्री करके ले जाएंगे। अब कह रहे तो ले ही जाएंगे शायद। क्या कर दिया तुमने? आपने ही तो कहा था प्रेस करके बंद करो, तो वही कर रहे थे। शादी के पहले के सपने मायके में ही छोड़ के आने चाहिए मैडम जी। तुम्हारी बहन को खुद ही नहीं पता कि इंसान खुद खुश रहे तभी दूसरों को खुश रख पाएगा। एक बच्चे की मां बन के साड़ी पहन के नाचेंगे क्या?
आओ माझे। बैठो बैठो। अब ऐसे बैठ के सोचने और सपनों में नाच करने का समय नहीं है जी। कितनी अच्छी है तुम्हारी बहन, कितना सोचती है तुम्हारे बारे में। देखो कितनी दूर से आई थी तुम्हें इस बात के बारे में बताने के लिए। जी माँ जी। अबहू कब से शुरू हो रही है तुम्हारी क्लासेस? देखो खूब मन लगा के नाचना, इस बार कोई कसर मत छोड़ना अपने सपनों को पूरा करने में। हाँ माँ जी, या आप कह रही हैं? हाँ। आपको हमारे हॉबी से कोई एतराज नहीं है? एतराज काहे का होगा, मौका है तो करो अपना शौक पूरा। हाँ माँ जी, आपको सच में कोई एतराज नहीं है? एतराज काहे होगा बहू। पर माँ जी आपने देखा ना सम्राट जी ने किस तरह से रिएक्ट किया, वो तो हमें कभी नहीं जाने देंगे। भाऊ सम्राट मना तो तब करेगा ना जब तुम उससे पूछोगी, और जब उसे कुछ पता ही नहीं होगा तो वो पूछेगा क्या? ये आप क्या कह रही है माँ जी? ऐसा ही कह रहे हैं हम भाऊ, एकदम सही कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर काम पूछ के किया जाए, कभी कभी ना कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो मन कहे। वैसे भी इस काम को करने में किसी का कोई नुकसान तो है नहीं है? और एक बात बोले भाऊ, अगर औरत हर काम मर्द से पूछ के करने लगी ना तो हो लिया काम। हाँ अच्छा तुम हमें बताओ, इस सम्राट हर काम तुमसे पूछ के करता है का? करता है? आ तो बस तुम्हें भी उसे बतावे की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा इतना मन है तो तुम करो। अच्छा मैं ये बताओ कितने दिन की है जे क्लासेस? 15 दिनों की है। 15 दिन की बताओ, साल भर की थोड़ी ना है। वो करो करो, और ऐसा करो कि सम्राट को पता भी नहीं चले और तुम्हारे मन का भी हो जाए। हैं माँ जी चाहते तो हम भी हैं, पर उसी टाइम पे शौर्य की स्विमिंग क्लासेस भी है, हालांकि अनु ने कहा है कि वो संभाल लेगी। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो कोई काम में नहीं रुकेगा और तुम्हारे मन का भी हो जाएगा, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। तो माँ जी हम कर लेना। तो इतनी देर से हम कह कर रहे हैं करो ना। भाऊ हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सास। हाँ भाऊ तुमने हमें रोक के हमारे लिए इतना किया है ना, बदले में अगर हम थोड़ा सा भी तुम्हारे लाने कुछ कर पाए ना तो हमारे मन को बहुत खुशी होगी। हाँ हम पक्का जाए ना माँ जी। हाँ पक्का जाओ, जा 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 जा। देखिए का कमाल की आपकी बहू ने, देखिए जी का है जी, आशा ने किया जी। हाँ आप खुद ही पूछ लीजिए ना कि का सोचकर किस अकल से जे जमहान काम किया है, और इससे कह देना कि हमारा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ पांव भी चल रहे हैं, हमारा काम हम खुद कर सकते हैं। गौरव नाश्ता तो करते हुए जाओ। हर क्या हमारा मां, जी क्या किया तुमने आशा? हम कहा करते दादी, बैग बंद ही नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि बैग प्रेस करके बंद करो, और आप ही ने तो बताया था ना दादी कि प्रेस का मतलब इस्त्री करना होता है, तो उन्होंने कहा तो कर दिया इस्त्री हमने उसके ऊपर। ये भगवान हमें बचाओ, दिमाग नाम की चीज है खोपड़ी में या भूसा ही भरा है पूरा का पूरा। बहू गौरव का मतलब था कि प्रेस करो मतलब दबाओ तब बंद होगा ना। अब हमें क्या पता माँ जी,
कि एक ही चीज के दो दो मतलब होते, स्त्री भी और दबाव भी। सच्ची, अब तो हमें लग रहा कि हमारे से गलती हो गई जो इसको ब्याह के लाए। पति को खुश करने के लिए कहा था लेकिन ऐसा कर दिया कि खाए पिए बिना चला गया बेचारा। अब वो तुम्हें अपनाने से रहा, उल्टा वो खुद ही घर छोड़कर भाग जावेगा। आशा, अम्मा कहे डांटा बेचारी को, कितना बुरा लगा होगा उसको। तो क्या करें, आरती उतारे सर पे बिठा के, रोने दो, गलती किया है तो सुनना तो पड़ेगा ना। अम्मा उस बेचारी को अंग्रेजी नहीं आती तो कहा करेगी वो। अंग्रेजी हमें भी नहीं आवे है तो हम तो नहीं कोई कांड किए, हम भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन दिमाग नाम की कोई चीज होवे इंसान में कि नहीं, जी तो बिल्कुल गई गुजरी है। का होवेगा अब, जे सोच सोच के हम डर जावे हैं। बोल तो दिया हमने अन्नू को कि कल से क्लासेस करना है, पर हम कर पाएंगे या नहीं? इतने साल हो गए डांस छोड़े हुए, अचानक इतने लोगों के सामने कैसे करेंगे? कहीं मजाक ना बन जाए हमारा। पता नहीं क्या करेंगे आप। सिंदूर, मंगलसूत्र, हम तो बिल्कुल बदल गए। उर्मी सिंह राठौर बनते बनते पूरी की पूरी मिसेस राठौर बन के रह गए हम। शायद इसलिए आज हमें डांस करने से घबराहट हो रही है। डांस हमारे आत्मा में हुआ करता था, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जुनून की तरह हमारे मन में बसा करता था। आज उसी को करने में हम झिझक रहे। नहीं उर्मी, तुम अपनी आत्मा को इस तरह से मरने मत दो। जिस चीज के साथ तुम बड़ी हुई हो उसे करते वक्त तुम्हारे पैर कैसे थरथरा सकते हैं? ये नहीं हो सकता। डांस तो तुम्हें करना ही होगा।
मामा मामा पापा मामा।